हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हमारे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब, और इनसे हम बात करेंगे। खेलो इंडिया एहड जो भी तैयारियां आज तक इन्होंने मुकम्मल वहां पे की, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। जो खेलो इंडिया के बारे में क्यों कहें, क्योंकि लोगों को आप पर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो एहड आप जिस ये जो खेलो इंडिया होने जा रहे हैं उसके बारे में बताएँ। जैसे कि आपको पता है कि कल से जो हमारा फोर्थ खेलो इंडिया गेम्स है, विंटर गेम्स है, वो शुरू हो रहे हैं हमारे यहाँ गुलमर्ग में। तो इसके लिए आपको पता होगा आज से ही एथलीट्स आना शुरू हो गए हैं। कल तक सारे एथलीट्स आ जाएंगे। कल शाम को आपको पता है कि इसमें नाइट स्की का एक डेमोन्स्ट्रेशन भी है, और जो इसकी फॉर्मल इनाग्रेशन वो 21 तारीख है, जो ऑनरेबल LG इनाग्रेट करेंगे। उसके मद्देनज़र हमारी पूरी कोलैबोरेशन है, हम लोग पूरे इन टच है अलॉन्ग विद द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। आपके जितने भी इश्यूज हो, जैसे ट्रैफिक का हो, पार्किंग का हो, स्नो क्लियरेंस का हो, अकोमोडेशन का हो, इसमें मल्टीपल हम लोग मीटिंग्स कर रखी हैं, कमिटीज़ बन रखी है। आपने देखा होगा आज भी यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है रेगुलरली, जो हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टीम्स हैं रोज क्या कहते हैं स्नो क्लियरेंस कर रही है। हमारे SSP रूरल ट्रैफिक भी आए हुए हैं, वो भी इन पर्सन ट्रैफिक मैनेजमेंट देख रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस बार भी जैसे पहले भी हुए सक्सेसफुल विंटर गेम्स हो, जिससे कश्मीर का, वादी का और बारामूला का एक अच्छा पॉजिटिव नाम, जो भी एथलीट्स हमारे यहाँ देश भर से आ रहे हैं उनको हम एक मैसेज दे पाए कि जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा गुलमर्ग है वो पूरा देश का सबसे फेमस विंटर डेस्टिनेशन है, जिसको हम विंटर वंडरलैंड भी बोलते हैं। तो हम यही आशा करते हैं कि सारी पूरी जिला इंतजामिया ऑनरेबल LG साहब के डायरेक्शंस के अंडर वेयर हम सारे काम कर रहे हैं कि जितना हो सके टूरिस्ट और हमारे एथलीट्स को एक अच्छा सा हम एक्सपीरियंस दे पाए। कितना इम्पैक्ट रहेगा इसका जो आज ये नेशनल इंटरनेशनल गेम्स होने जा रहे हैं? जैसे आपको पता है जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स होते हैं, मैं आपको बता दूं इसमें मोर देन 625 टू बी एग्जैक्ट एथलीट्स आने जो देश भर से आते हैं। एक तो इनका एक इम्पैक्ट रहता है कि जो हर बंदा यहाँ से जब वो जाता है तो वो गुलमर्ग का, बारामुल्ला का एंड फॉर देट मैटर जेन के क्या एक एम्बेसडर बनता है कि वो बताता है कि यहाँ कितने अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हैं, टूरिज्म की कितनी अच्छी यहाँ फैसिलिटीज़ हैं। उसके अलावा जो इसका आपको पता होगा ये पूरी जो नेशनली पूरा लाइव ब्रॉडकास्ट होता है, तो इससे भी एक जो स्पेशली आप देखेंगे कि गुलमर्ग पिछले दिनों में बिकॉज ऑफ विंटर गेम्स पूरे देश में एक विंटर स्पोर्ट्स, विंटर एक्टिविटीज़ का डेस्टिनेशन बन गया। आप देखेंगे आज भी गुलमर्ग में सैकड़ों की तादाद में फॉरेन टूरिस्ट हैं, फॉरेन स्कीयर्स हैं, स्विट्ज़रलैंड, यूरोपियन नेशन से आए हैं यहाँ स्कीइंग करने के लिए। तो मुझे लगता कि जो विंटर गेम्स इससे स्पेशली हमारे जो ये स्कीयर्स, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उसमें बड़ा बढ़ावा मिलता है, और जब ये फॉरेन टूरिस्ट आते हैं तो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं लोकल इकोनॉमी का, यहाँ के हमारे टैक्सी ड्राइवर्स की इकोनॉमी होती है, हमारे ATV वालों की, हमारे गाइड्स की। तो उसका मुझे लगता है कि जो विंटर गेम्स होते हैं एक बेसिकली नॉट जस्ट जो नंबर ऑफ लोग आते हैं पर एक पब्लिक एट लार्ज और पब्लिसिटी के लिए बड़ा अच्छा रहता है। कितने सहमत हैं आप सर अगर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे? नहीं, हम लोग पूरी कोशिश में, आप जैसे देख रहे हैं हम सारे ऑफिसर्स आज क्योंकि स्नोफॉल हैवी हो रही है सारे फील्ड पे हैं, ना जस्ट कि सिर्फ गुलमर्ग में, हमारे जो बाकी इलाके भी हैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे भी जो हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स की टीम ऑलरेडी आउट है, हमारे जो तहसीलदार साहिबान हैं, BDO साहिबान हैं, ADC साहिबान हैं, SDM साहिबान हैं, वो सारे फील्ड में मौजूद हैं। और मैं आपकी तरफ से गुजारिश करूँगा कोई भी किसी को कुछ भी इशू आता है, हमारे पास दो कंट्रोल रूम है, एक बारामूला डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल कंट्रोल रूम है और एक गुलमर्ग का भी कंट्रोल रूम है, कभी भी बेझिझक उसमें कॉन्टैक्ट करें, कोई भी इमरजेंसी हो हम 24 घंटे तैयार हैं उसको जवाब देने के लिए। मैसेज देना चाहते हैं आप यहाँ के आवाम को, खासकर अगर गुलमर्ग सरने के लिए? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा, जैसे आप देख रहे हैं जो वेदर कंडीशंस काफ़ी डेंजरस हैं, आप देख रहे हैं कि हम कंटिन्यूस स्नो रिमूवल कर रहे हैं पर तब भी स्नो एक्यूमुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है। बस यही रिक्वेस्ट है कि जैसे वो तंगमर्ग से ऊपर जाएँ चेन लगा के जाएँ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो छोटी गाड़ियाँ हैं उससे ना चलें, सो दैट कि क्योंकि जाम हो जाता तो पूरा आपको पता है कि एरिया बड़ा कम तंग रास्ता है तो मशीनों को जाने में प्रॉब्लम होती है। बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चेन से जाएँ, आराम से धीरे धीरे गाड़ी चलाएँ, सो दैट कोई अनटोवर्ड एक्सीडेंट ना हो। थैंक यू सर।